हमीरपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव रघुवीर सिंह बाली के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा युवा रोजगार संघर्ष यात्रा निकाली गई। इस संघर्ष यात्रा के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष राजेंद्र जार, पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया सहित काफी संख्या में कांग्रेस युवा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। वहीं इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस सचिव रघुवीर सिंह बाली ने बताया कि प्रदेश और केंद्र सरकार ने युवाओं के साथ धोखा किया है। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत में युवाओं को रोजगार मुहैया नहीं करवाया गया है। वहीं रघुवीर सिंह बाली ने बताया कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें केंद्र सरकार की दमनकारी नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। रोजगार संघर्ष यात्रा एक संकल्प एक वचन, बेरोजगारों के लिए रोजगार की चाह में तड़पते हुए उन बच्चों के लिए जिन्होंने इस तड़पन में काफी सारे लोगों ने काफी सारे युवा बच्चों ने अपना दम तोड़ दिया, एक ऐसा संघर्ष एक ऐसा वचन जिसको लेके मेरे नेता हम सब के नेता श्री राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की भारत जोड़ो यात्रा में निकल चुके हैं। रोजगार की लड़ाई लड़ने के लिए जो दमनकारी सरकार जो इस टाइम सत्ता पक्ष में बैठी हुई है, जिसने ये वायदे किए लोगों को छलने के, झूठ बोलने के, गप्पों के, जुमलों के, इन्होंने वायदा किया था कि हम 15-15 लाख रुपया लोगों के खातों में डलवा देंगे, अच्छे दिन हर एक इंसान के लेके आएंगे, पर ऐसे कोई दिन देखने को नहीं मिलते। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो चाहे मेडिकल कॉलेजेस का विस्तार हो, चाहे बड़े से बड़े एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट हो, स्कूलों का विस्तार हो, सड़कों का विस्तार हो, सड़कों का जाल हो, पानी का जाल हो, अगर बिजली के विस्तार को देखा जाएगा तब भी कांग्रेस पार्टी के जो काम है उसको याद किया जाएगा। विकास की किसी भी इमारत को, किसी भी ईंट को अगर आप खोद के बाहर निकालोगे तो उस ईंट पे कहीं ना कहीं कांग्रेस का नाम लिखा जाएगा, नाम लिखा होगा, और उस ईंट पे आप पढ़ सकेंगे कि कांग्रेस ने अपने वचन को पूरी तरह से हमेशा निभाया। जिस तरह कांग्रेस का नारा है, काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। कांग्रेस इस वचन को लेके कांग्रेस पार्टी हमेशा चली है और इसी वचन को लेके हमारे नेता चले हैं।